हेलो फ्रेंड, आज मैं खाने वाला हूँ चावल के साथ बहुत सारा बंगाली मछली आइटम। ये आप देखिए, समुंदर का मछली भोला फिश, इसका नाम है पुटी मछली, इसका नाम है बाटा फिश, ये टंगड़ा फिश, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। ये है तेलापिया फिश, ये भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट है ये फिश, ये भी एक समुंदर का फिश है। आज तो बहुत सारा फिश है, खाके देखते किसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खाना। और हाँ, ये तो बताना भूल गया मैं, ये एक सब्जी है, ये भी खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। इससे ही शुरू करते हैं खाना, फिर बाद में एक एक करके सब खाएंगे। सब्जी तो भाई बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। अभी शुरू किधर से करें, इधर से ही या इधर से ही करता हूँ। पहले ये ले लेता हूँ, खा के बताते हैं हम आपको जी कैसा हुआ है इसका टेस्ट। चावल के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। जवाब वाह, लाजवाब टेस्ट है। थोड़ा नमक ले लेता हूँ, आपको तो पता ही है मुझे थोड़ा नमक चाहिए होता है खाने के साथ। थोड़ा नमक ले लेता हूँ, नॉर्मली नमक ठीक है लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ चावल के साथ लवण। वाह,
हम कलकत्ता के लोग ऐसे ही मछली खाते हैं। ये भी खाने में बहुत अच्छा होता है। ये तो भाई बहुत अच्छा था, अभी ये ट्राई करते हैं ये कैसा है। मछली खाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके खाने के लिए। इतने सारे मछली का आइटम मैंने आज के पहले कभी नहीं खाया एक साथ। ये देसी फिश है हमारे इधर कलकत्ता का। इसके अंदर शायद मुझे लगता है इसके अंदर अंडा भी हो सकता है। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। वाह भाई बहुत अच्छा है। ये देखिए इसका अंडा।
मछली खाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है। ये खा के देखते हैं कैसा हुआ। भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही टेस्टी भाई, ये भी बहुत ही टेस्टी हुआ है। ये शानदार का मछली है,
पूरा खत्म हो गया भाई, जितना भी मछली था सबसे बढ़िया टेस्ट था इसका। ये जो मछली है ना बहुत ही टेस्टी था, लाजवाब था, पूरा का पूरा बहुत ही डिलीशियस था। सो फ्रेंड, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फूड सेटिस्फेक्शन को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा।